पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा, राबितों और जोड़ तोड़ में तेजी, आजाद अराकीन पर सबकी नजरें, मुस्लिम लीग नून का पंजाब में हुकूमत साजी का ऐलान, तहरीक इंसाफ भी डट गई, पंजाब का इक्तदार भी लेने का ऐलान। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए पीपी और काफ लीग से राबते करेंगे। नवाज शरीफ ने 2013 में इमरान खान के मैंडेट का एहतराम किया, केपी में हुकूमत बनाने दी। नईम उल हक कहते हैं ये 2013 नहीं 2018 है, हुकूमत हम बनाएंगे। आजाद अराकीन का मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का इम्कान, कई अराकीन की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, काफ लीग के रहनुमा का कहना है कई अराकीन हमारे साथ राबिते में हैं। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध के लिए फेवरेट, स्पीकर सिंध असेंबली के लिए खातून रुकन के नाम पर गौर, पीपल्स पार्टी के बड़े आज नामों पर गौर करेंगे। इमरान खान वजारत उज़्मा का हल्फ लेने से पहले ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के चुनाव में उलझ गए, आतिफ खान असद कैसर और परवेज खटक की लॉबिंग तेज। चमन ने जीत की खुशी में उम्मीदवार नवाज काकड़ के हामी आपे से बाहर, रात भर हवाएं फायरिंग करते रहे, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन खामोश। टेस्ट केस में क्रिकेटर अहमद शहजाद की अपील का वक्त खत्म, टेस्ट के नमूने चैलेंज नहीं किए, अदवियात जानबूझकर नहीं ली, गलती हो गई, क्रिकेटर का मौके आज जवाब जमा कराया जाएगा।